लेट तो हो जाएगी लेकिन माता मेरे सो जाएंगी तो फिर जो सो जाएगा वो क्या बनता है, ये दिक्कत है। कोई सोना नहीं, और एक बात आदू हो तो अपने गांव में देखिए कितनी भागवत होती है, चार भागवत हो गई, पांचवी भागवत हो रही है। वैसे देखा जाए अपनी ग्राम सभा में ये आठवीं भागवत है, क्योंकि तीन भागवत गढ़वा में हो चुकी और चार गांव में हो चुकी, पांचवी हो रही है, पांच तीन आठ, आठवीं भागवत हो रही है। धन्य हसनापुर, हसनापुर हसनापुर नहीं है ये, वृंदावन धाम, अयोध्या और चित्रकूट धाम है। बोलिए बार बोलिए, हसनापुर धाम है, हसनापुर धाम है। इतनी भागवतें होती है, लड़का बहुना जाना भागवत भूत का है, लड़का बहुना जाना था। आज हम अंदर कपड़ा पहन लड़का जागेगा उन्हें दे, अब भागवत कपड़ा पहन रही है, आज चिल्ला दे आज भागवत का बच्चे हैं। देखो बता दो, दो मिनट में सुन ले, कोई जब दिक्कत है ना, लस्सी तो पी चुके हो, हाँ तो फिर कोई टेंशन है, फिर काई दिक्कत है। और देखो 12 बजे बाद व्रत वैसे भी शुरू हो जाएगा, धरे जी ये इसे कुछ खाएगा ही नहीं है, तो क्या फायदा है, आराम से भगवान का भजन करो भाई, 12 बजे बाद जय माता दी। कितना शुभ अवसर है ये बाबा की दया से कि भागवत सुन के तुरंत भागवत भगवान आए, फिर तुरंत माता जी आ गई, क्या बात। चलिए भागवत सुना दे दो मिनट में, अगर आप लोग ध्यान से सुने तो सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। कुछ नहीं माता मैंने बताती है, कहती मेरे बताओ भंडारा काल लो अंदर पर ही कैसे कहेंगे, कोई आए बातें लगी है कुछ नहीं, तुम टेंशन ना ले, जो वो व्रत रहा है उसके लिए जुगाड़ बता रहे हैं, जो लोग व्रत रहेंगे उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने घर से बर्तन ले आना और प्रसाद लेकर के घर में फ्रिज में डाल लेना और दूसरे दिन खा लेना, भगवान का प्रसाद है उसमें क्या दिक्कत है। अब कल हम यहाँ रहेंगे, सब लोग जो लोग व्रत रहेंगे वो आएंगे, उनको हम प्रसाद देंगे, जितना लेना हो हम लोग ले जाएंगे घर में फ्रिज में रख करके, और प्रसाद कभी वासा नहीं होता है, प्रसाद बासा नहीं होता है, ब्रेड देखो कितने दिन की बनी होती है, रोज खात हो कितनी बासी हो खाए रहा था रोज, ये तो भगवान का प्रसाद है। सुनो सुनो चलो सुदामक कथा होते मैं कह रहा, असल में आपको ऐसे ना सुनाते, कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि भागवत जरूर सुना दे, तो हमने सुन लो तीन मिनट में भाई सुन ले, अच्छा काय बेटी जा रही है जरूर आंदी रही, पर तुम कहाँ हो, तुम भागवत सुनो, फिर कुछ भी भागवत कहाँ आता नहीं, तुम कहाँ बताइए, अब भागवत कहाँ कर रहा यहाँ सर्व खेड़ा माँ, तो परीक्षित जी बोले हमने परीक्षित जी भागवत कहाँ चल रहा है, बोले टेंट के नीचे ना भागवत का ही, तो थोड़ा भागवत में ध्यान रख क्योंकि आज तुम्हारा उद्धार होने वाला है। ग्यारह रुपये गोलू फल बेटा जो सरत है, इक्कीस रुपये सले जाता हूँ फिर स्टोर, सुन लो एक गांव भागवत का बहना है, दो मिनट सुन लो, तो पंडित जी ने भागवत पुराण साइकिल लगा दो और गांव हल्ला मचा में को भागवत करवा लो, को भागवत करवा लो, एक लकवा सुन ली रहता हूँ क्या हो, बोले कहाँ पे आते थे, अगर जाते नहीं भागवत आई, लेकिन कहा उसका सुनी जाते सुना दे, कलाई से लाऊ गई थे बप्पा का निभाग लाऊ भागवत, भागवत का बप्पा बप्पा का लक्का कल कोई आई है को कल भागवत कल कहा है, बोला साइकिल बंद दी है, अच्छा बप्पा ने जाने भागवत कहा है, बप्पा तो क्या कहा बैठे थे पंडित जी, अरे कल बैठे नहीं यार भागवत आई, अरे कल कहा होता ना सुनी जाते सुना दे कलाई से कल और कोई से, अरे कहा सुनो पहले हम सामान लेकर सामान लाओ है, और फिर लीपा पोती हुई तब हुई, लड़का बोलो पापा भागवत सुनबे ना ही हम कुआं मगिर के मरी थी, पापा बोले जाने कहा पंडित जी आगे बताओ भैया आफत कर दी नहीं, बोले पर्चा बनाओ और उनने पर्चा लिख दी सामान के, कोई उठाए साइकिल सामान ले चले गए, अब लड़का मम्मी बोली पंडित जी कहाँ कही आओ, बोले आंगन में कही, आंगन उनके बहुत बड़ा रहा है, बोले तो कूलर लीपे पर ना तो कल आई करो महाराज जितने वहां भागवत तुम्हारा अमा आ जाए, नाप बता दो लिख दे, पंडित जी नापन नापत गया, अधिक दूर तो बोले इतने लगभग आ गई,
लड़का मरिया तो गोबर लाई लीप लाग के बराबर कर दिनो तब तक वे बप्पा लेके आगे सामान जो इधर तो पंडित जी पर नवाग्रह बनाओ लो कलश बना दो जो चौक पोल के बैठे बोले भागवत को सुनी पप्पा बोले लाला तुम सुनो तुम ही कह रहा हो पप्पा बोले नाना लड़का बोलो तुम सुनो बोले यार तुम कहो रहा हो तुम ही सुनाओ वरना तुम सुनो अब पप्पा भाई पंडित जी बोले जाओ जय संगान हुई जय करो कम करियो तो भागवत महारानी का फल न मिली पप्पा समझे हमें ना तो लंबा कथा रहा है होशियारी बैठ कर हाँ 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 तुम शुरू करो बोले पहले तो मंत्र पढ़ेंगे बोले पढ़ाओ जो ही पंडित जी मंत्र शुरू करो ओम तरण अब पंडित जी सोचे बोले के यो कौन मंत्र आई तुम वाला आप पंडित जी बोले करो आप पूजन शुरू हो जाओ ना बोला हाँ शुरू करो बोले नीचे बैठ जाओ बप्पा बोले तुम नीचे बैठ जाओ कोई समझे पूजन शुरू पंडित जी बोले अब तुम आई तक आते बप्पा बोले अब तुम आई तक आते पंडित जी बोले का बप्पा बोले तुम गोदा होला ढोला ढोला पंडित जी बोले का उरे भागो नहीं सुनी का तुम बोले का भागो नहीं सुनी है पंडित जी का आगे गुस्सा तो पंडित जी ने उठाओ लोटा और बप्पा के धाओ अब बप्पा सोचे हम कब मरे पे तो भागवत महारानी का धन न मिली तो नवग्रह वाली जो चौकी धरी थी वो उठाए बप्पा ने पंडित जी का धाम आप पंडित जी बप्पा दो लड़े कौ पंडित जी नीचे हो गो बप्पा नीचे हो लड़कों की लड़कों मम्मी तारी बजा बारी भागवत बारी भागवत के ऊपर नीचे होती बारी भागवत कई लुड़ गई थी भागवत जय हो भागवत अब वो लड़त लड़त लिपे के बाहर जा लड़कों की मम्मी बोली पंडित जी पहले बता दे तो लिपे लिपे के बाहर का भागवत जाती है लौटे तो कौन कौन नहीं जानो भागवत का होती एक बार बुलाइए भगवान का नाम और फिर उस रामचरित की कथा में जा रही अंतिम कथा है कि गोविंद हरे गोपाल हरे ले उस जा रही हूँ मां और दो मिनट रुक जाओ भाई छुट्टी करे भी बैठे हो भाई जब हो जी भाई जाओ अरे बाद में बस भेज दे चले चले भी खाते हमारे नीरज गुप्ता उनकी मम्मी की ओर से मतलब हमारी भाभी जी की ओर से प्रेजेंट है बस दो चार मिनट की बात है केवल सुदामा कथा हो जाए तो छुट्टी कर देंगे तुरंत सुनिए भरपूर कथा अगर पढ़नी है एक ग्रंथ भक्तमाल ग्रंथ उसमें भरपूर कथा आपको मिलेगी अगर थोड़ी बहुत कथा पढ़नी है एक कवि हुए नरोत्तम दास जी नरोत्तम दास जी लिखा है सुदामा बसत है सदा आपने धाम बता दू सुदामा कथा होगी बड़े प्यार से आप लोग सुनेंगे और कोई खड़ा नहीं होगा सुदामा कथा जब हो जाए जिसको जो चढ़ाना हो चढ़ाना न चढ़ाना तो कोई बात नहीं जब फिर दोबारा कभी आने तो चढ़ा लेना लेकिन सुदामा कथा हो जाए कथा हो तब तक आप लोग गद्दी क्रॉस नहीं आएंगे विप्र सुदामा बसते हैं सदा आपने धाम भिक्षा कर भोजन करे ये जपे हरिनाम
पति से देखिए सुदामा कितने गरीब हैं। एक बात और बता दो, जो गरीबी में पला है वो गरीबी समझ सकता है, और जो सोने के टुकड़ों में पला है वो क्या जाने गरीबी क्या होती है। सुदामा का जीवन देखिए कैसा है। सुदामा के आठ बेटा हैं, एक बढ़िया है वो भी टूटी बढ़िया है, एक रजाई है वो भी फटी है। 11 रुपए श्याम यादव, एक तवा है वो भी फूटा है, लला गोलू ओ गोलू अब ये दर्द थोड़ी देर 12 बजे के पास। अच्छा ये बात जल्दी भैया 7 मिनट है, 7 मिनट में खटा खट सुनता देखिए। हाँ वहीं पर खराब हुई नहीं, 9 मिनट बाकी है कायम हुई नहीं है, तो अगर उसे तुम देव आराम दे दो, तो अगर गड़बड़ गई तो फिर कल पूरी तो बढ़िया ना। दिन भर बेचारे द्वारे द्वार काका काका चिल्लाते थे, दिन भर मांगे 10 घर मांगे पर आटा दाल न पाते थे। सुदामा कितने गरीब हैं सुनिए। इक्कीस रुपए सुरेश पाल भैया की मम्मी की ओर से मदद थी, 21 रुपए छोटू यादव अचली पुरा वालों की ओर से मदद है, 10 घर मांगे, 10 घर प्रसाद बेटा की मम्मी को ग्रस्त है, मतलब भाभी जी को ग्रस्त है, आज सुदामा जी बस गली में भागते चले जाते हैं, एक गीत गाते हैं किसी दरवाजे ने कहे, आज सुदामा जी जा रहे हैं बस एक गीत गा रहे हैं कि नारायण संसार में चुप होए बैठिए और देख नंदन को से जब नीचे दिनाई है तो सुदामा जी दिन पर भिक्षा मांगते हैं, शाम को मिलता तो लेके आते हैं, घर में भोजन बनता है और जिस दिन कुछ नहीं मिल पाए हाँ परिचय पिया दे पीले पीले हो हाँ पीले पीले मगा सज्जन पी रहे तुम वो पियो तुम कहा कर रहे तुम्हें बारू पिया नहीं ये सब देख रहे भाई का आपका फोन में देख रहे
सुदामा जी भिक्षा मांगते हैं जब कुछ मिलता है लेकर के आते हैं, और जिस दिन कुछ नहीं मिलता पूरा परिवार भूखे सो जाता है। एक दिन की बात है, सुदामा के जीवन में ऐसा अंतराल आया, चार दिन बीत गए घर में भोजन नहीं बना है। ये बात दादू, जिस घर में एक दिन भोजन नहीं बनता है उस घर की क्या दशा होती होगी, और जहां पर चार दिन से चूल्हा नहीं जला है उस घर की क्या दशा होती होगी। बच्चे रोजाना स्कूल जाते, रोजाना लौट जाते हैं। जब चौथे दिन छोटा बेटा घर में वापस आया तो मैया के पास पहुंच गया, कहने लगा माँ, मास्टर साहब मुझे पढ़ाते, मुझे पढ़ाई नहीं समझ आती है। तो माँ बोली, तो पता नहीं होगा, वर्णे नहीं मैं पढ़ता तो हूँ माँ, चार दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है। चार दिन से मुझे कुछ खाने को नहीं मिला है, मुझे पढ़ाई वढ़ाई नहीं समझ में आ रही है। सुशीला ने लाला को बड़े प्यार से गोद में बैठाला, बोले बेटा जब तुम्हारे पिताजी कुछ ला नहीं रहे हैं तो क्या बना दे। देखिए सुशीला ने पूरा जीवन सुदामा के साथ गवा दिया, लेकिन सुशीला कभी पति से लड़ी नहीं। तभी मैं कहा करता हूँ माताओं बहनों, तुम्हारा पति अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, सुशीला कभी लड़ी नहीं, जैसा समय आया उसी में ढलती चली गई, एक कभी पति से एक शब्द नहीं कहा। आज सुशीला ने लाला को बड़े प्यार से गोद बैठाला, लाला कहने लगा माँ, मुझे रोटी खिला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं है। माँ बोले बेटा क्या खिला दे, मैया बोली रोटी दे दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, बेटा बन के मैया कभी नहीं लाला के गाल सुने, लाला भूख से बेहाल है, और तुम चाट के अपने लाला को गोद में बैठालो, टूट गई संग तीर तेरी और घुट को भाग कुछ नहीं क्या खिला दे। लाला के अब्बा तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है। माँ बोली सुनो बेटा, जब आदमी गरीब होता है उसको कोई रिश्तेदार नहीं होता है। तो बेटा मैं कभी गरीब हूँ, गरीब हूँ, कोई रिश्तेदार की बात छोड़ी कोई व्यवहारी करे गेट से आगे से नहीं निकलता है, मैं इतनी गरीब हूँ। लाला ने जब माँ को रोते हुए देखा तो लाला के माँ तुम क्यों रो रही हो, माँ बोली क्या बता दो बेटा, लाला भूख से बेहाल है, लाला के लिए तुम्हारे कोई नहीं है। माँ बोली जंगल चले जाएंगे, तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। माँ बोली जब माँ ने सोचा थोड़ी दूर जाएगा लौट के आ जाएगा, जैसे लाला चला सांप से रात में चली जा रही है, लाला जंगल में भागता चला जा रहा है, जैसी अखंड
चाचा बस वही चंदाना चाचा धूप से लाला बेहाल है एकदम से बेहोश हो जाता है जब होता तब चिल्लाता चाचा बारह बज गए रात को लाला से गा लगाना चाचा देखा तो जान गए सुदामा का बेटा भूख से परेशान है बस रुक्मणी को दिखा दिया रुक्मणी जल्दी से भोजन बना दे अगर लाला समाप्त हो गया तो चाचा का नाम बदनाम हो जाएगा रुक्मणी आधी रात को भी जल्दी जल्दी भोजन बनाया और जैसे ही भोजन पीता पर बांध कर दे दिया करे दास स्वामी लाला को भोजन कन्हैया जा रहे आवाज लगाते तो जा रहे बेटा कन्हैया भागे जंगल पहुंच के लाला बेहोश पड़ा है कन्हैया ने लाला को बड़े प्यार से गोद में ले लिया बेटा लाला आंखें बंद किए पड़ा है कन्हैया बुला रहा बेटा कि लाला नेक अखिया प्रभु ने पानी का छींटा मारा लाला ने आंखें खोल दी भगवान आज भोजन करा रहे कि अपने हाथन ते We'll be right back.
लाला ने भोजन कर लिया। कहने लगे चाचा तुम बड़ी देर से आते हो। कन्हैया बोले बेटा तुम एक बार बुला दिया करोगे, हम एक बार में आ जाए करेंगे। सुदामा का लाला रोजाना स्कूल जाता है, रोजाना लौट के आता है, आवाज लगाता है चाचा चाचा, रोटी लेकर के आ जाते हैं। उस लाला भोजन करता है, घर में चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है। एक दिन के बाद तो मास्टर साहब बोले स्कूल में मिला बेटा, कल सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, जिसके जिसके घर में दूध होता है उस लोग दूध लेकर के आएंगे। किसके किसके यहाँ दूध होता है उठाओ हाथ। तो सब लोगों ने हाथ में उठा। सुदामा बेटा सबसे पहले हाथ उठा दिया, मेरे यहाँ बहुत दूध होता है। मास्टर बोले जाओ एक मंजे ही। बोले हो लाला जंगल पहुंचा, चाचा तो चाचा रोटी लेकर के आ गए। लाला ने भोजन तो कर लिया। इनके लगा सुनो चाचा, मास्टर साहब कह रहे थे एक मंज दूध ले आना। बोले अपने यहाँ इतना होता चाय देता ले जाना। बोले जल्दी आज ही सवेरे। कन्हैया बोले ठीक है। जैसी सवेरा हुआ कन्हैया आए तो छोटी चुकरिया में थोड़ा दूध लेकर के आ गए। बोले बेटा बछड़ा छूट गया था, उसने सब दूध पी लिया, इतना ही बचा है, ले जाओ तो ले जाओ। लाला ने सोचा बिल्कुल नहीं ले जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। चुकरिया पकड़ी जैसी चले स्कूल में पहुंचे। अब गाँव के जितने लड़का है दो दो लीटर डब्बा लिए चले जा रहे हैं। लड़का बोले मास्टर साहब इनके रुपये लेटर सुनो यदि बहुत ले आए। मास्टर बोले देखो गरीब है, जितना था उतना ले आया, उसकी मजाक मत करो। मास्टर बोले तुम बेटा फिर ले आओ। एक बात और बता दूं, कभी गरीब की मजाक मत करना और ना कभी गरीब को सताना, क्योंकि वेद पुराण लिखा है जीनाथ सुन लेगा तो चलते जी है। गरीब को छुपाना नहीं, लेकिन इतनी बुरी मजाक करी स्कूल के अंदर से दिल कुटल को भगोगा उठा रहे। बोले अब डरवा लो। आज मास्टर साहब बोले सुधामा बेटा तू पहले ले आ, तुम डरवा ले पहले। जैसी चुकरिया पकड़ी जो है भगवना उल्टी करी, धन लीला धन तुम्हारी लीला। चुकरिया की धार तब बंद भाई जब त्रिकुंडों को भगवना ला मान लो। मास्टर साहब कौन चुकरिया था कौन भगवना था, कहें इसमें कितना दूध है। जो लड़कों ने करामात देखी, लड़का सब भागे घर में पहुंचे सुशीला के पास। माँ तेरे लाला ने गजब कर दिया। बोले क्या हो गया। बोले चुकरिया में थोड़ो दूध का तेरा चाचा के यहां से लाए थे, दो क्विंटल दूध चुकरिया में निकला। तो माँ ने सोचा कोई अमीर आदमी मिल गया होगा, उसी को चाचा समझ रहा है। माँ बोली बेटा का सही में चाचा मिले। लाला का लगो सुनो, हम चाचा के यहाँ दोनों पारे खा रहे हैं, तुम्हारे घर में कुछ होता भी तो नहीं है। माँ बोली मैं ऐसे नहीं मानूंगी, हमारे लिए ले आओ तो हम जाते हैं। बोले हम ले आएंगे। लाला भागा जंगल में पहुंचा। चाचा तो चाचा रोटी लेकर के आ गए। जैसी रोटी लेकर के आई लाला ने भोजन तो कर लिया। सुशीला के लिए उसने कहा कि मेरी माँ के लिए मेरे लिए रोटी ले आना। कन्हैया बोले सुनो तुम्हें खरीदो को तो खा ले, तुम्हारे परिवार के गारंटर नहीं सब कौन थे। पर नहीं मेरी माँ कह रही थी। कन्हैया बोले सुनो तुम्हारे पिताजी तो मुकदमा चलो तो अम्मा तो पार्टी में दिखा दे। आज लाला वापस आ गया। माँ सोच रही थी लाला कुछ ले आएगा मैं भी खा लूंगी, लेकिन जब लाला खाली हाथ लौटा सुशीला बोली बेटा तुम लाए नहीं, उन लाए क्या। वो कह रहे थे कि उनसे पार्टी बनते उससे मुकदमा चला था। आज सुशीला बैठ गई, सुदामा बगल में बैठे हैं। सुशीला सोच रही है कि जब आदमी गरीब होता है तो भगवान की भी पार्टी बंदी हो जाती है। आज सुशीला बैठी रो रही है, सुशीला के बगल में सुदामा जी बैठे, सुशीला रो रही है कि हमारो को नहीं हारे है। कितना है कभी हिसाब लिख रहे हैं।
तीन दिशा सत सिया रोवे हर महीना सत साली दावे हर महीना सत साली जन्म भरे को पैया रोवे करके आस पराई रोम जन जाय सारोवे बिना राम रघुनाथ बसन बिन होगा मारो हमारो हो और ये संसार में कोई किसी का नहीं देखना जब कोई मरता है चलो ऐसा कितना है रोड़े से गाना बदल रहे हैं दिन मुझे देखने को मिला है और एक